हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू नेचर एंड मीनिंग्स सेंटेंसेस आर ऑफ फाइव काइंड्स, मतलब टोटल सेंटेंसेस जो होता है वो पांच तरह के होते हैं। नंबर वन असर्टिव सेंटेंस, नंबर टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर थ्री इम्पैरेटिव सेंटेंस, नंबर फोर ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फर्स्ट कम टू द असर्टिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट बनाता हो उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। अगर दूसरी तरह से समझे तो कोई भी वाक्य किसी भी तरह का इंसिडेंट, पोजीशन या सिचुएशन को एक्सप्रेस करता हो तो उस समय हम लोग उस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। किसी भी सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका अगर पोजीशन, सिचुएशन या किसी भी तरह का घटना एक्सप्रेस करता हो कोई सेंटेंस, तो उस समय हम लोग उस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। कन्वर्सेशन करते वक्त हम लोग को हमेशा दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही यूज़ करते हैं। अब वो चाहे क्वेश्चन में हो या फिर सिंपल स्टेटमेंट में हो, जो कि अभी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली असर्टिव सेंटेंस के केस में भी टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। चलिए अब दोनों के ही अलग अलग एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स देने से ही ज़्यादातर डेफिनेशन जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सो कम टू द अफर्मेटिव। आवर टीचर इज स्कोल्डेड अस, मतलब हमारे टीचर ने हम लोगों को डांटा। तो फिर इस सेंटेंस से भी पूरी तरह हम लोगों को एक मीनिंग या स्टेटमेंट पता चल जा रहा है कि टीचर ने डांट दिया। इसमें किसी भी तरह का उस स्टेटमेंट से रिलेटेड हम लोगों के मन में क्वेश्चन नहीं रह जाता है। तो ये पूरा एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। और इसमें सब्जेक्ट कौन है? आवर टीचर, मतलब वो एक टीचर के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, द सन गिव्स अस लाइट, सन हम लोगों को लाइट देता है। तो इसमें भी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सन हम लोगों को लाइट देता है। इसमें सब्जेक्ट द सन है और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन हम लोगों के मन में नहीं आता है। कम टू द नेगेटिव वन, आवर टीचर डिड नॉट स्कोल्ड अस, एकदम क्लियर है हम लोगों के टीचर हम लोगों को स्कोल्ड नहीं करते हैं। द मून डिड नॉट गिव्स अस इट्स ओन लाइट, मून हम लोगों को अपना लाइट नहीं देता है। तो ये एक मून के बारे में स्टेटमेंट है और मून और इस सेंटेंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन हम लोगों के मन में नहीं रह जाता है। नेगेटिव सिर्फ इसीलिए है क्योंकि नॉट वर्ड जुट जाने से, इसमें ऐड हो जाने से नॉट वर्ड इसको जो है नेगेटिव बना देता है, बस और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको ऐड करने वाली हूँ। इसको अगर अच्छे से समझना है इस वीडियो को तो एक या दो से बार देखने से ही काफ़ी है। नंबर टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करता हो तो उस समय हम लोग उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि उस सेंटेंस से हम लोगों को क्वेश्चन पता चल रहा है, सेंटेंस को देखकर ही पता चलता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस समय हम लोग उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं, उसको देखकर तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस की तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो तरह के टाइप्स हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, है ना, जैसे कि मैंने कहा था पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं। डू यू लाइक स्वीट्स, क्या तुम्हें स्वीट्स पसंद है, मतलब एक तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है या किया जा रहा है। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी क्षेत्र में आता है। व्हाई इज ही हियर, मतलब कि वो यहाँ पे क्यों है, तो इसमें भी हम लोगों को क्वेश्चन पता चला। चलिए अभी नेगेटिव को देखते हैं। डू यू नॉट लाइक स्वीट्स, कि तुम्हें स्वीट पसंद नहीं है। व्हाई शी नॉट हियर, वो यहाँ क्यों नहीं है। ये दोनों एग्जांपल दोस्तों नेगेटिव है क्योंकि नॉट वर्ड ऐड हो चुका है और
और दोनों के दोनों क्वेश्चन भी एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि पढ़ने से ही समझ में आ जा रहा है। होप आप लोगों को इतना दूर तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरफ। जब एक सेंटेंस कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता हो तो उस समय हम लोग उस सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखना इन तीनों वर्ड्स को, कमांड, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑप्टेटिव एंड इम्पेरेटिव दोनों जो फॉर्म है इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ये तीन वर्ड्स ऑर्डर, कमांड एंड रिक्वेस्ट यानी कि अनुमति, प्रार्थना और आज्ञा, इन तीनों पे ही इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है डिपेंडेंट है। कोई भी सेंटेंस जब भी ये तीनों फीलिंग को या ऑर्डर कमांड या रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस कर रहा हो तो उस समय समझ जाए कि वो सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें भी पिछले सेंटेंस की तरह दो कैटेगरीज है, एफिर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो चलिए चलते हैं इम्पेरेटिव बट एफिर्मेटिव सेंटेंस पे। स्पीक द ट्रूथ मतलब कि सच बताओ, ये एक तरह का कमांड में आता है। शट द डोर प्लीज़, ये प्लीज़ वर्ड देख कर ही हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि ये रिक्वेस्ट के कैटेगरी में है। तो ये दोनों का दोनों सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाता है। कम टू द नेगेटिव वन, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, तो ये भी एक तरह का कमांड है। ओके, डू नॉट शट द डोर प्लीज़, ये एक रिक्वेस्ट है कि दरवाज़ा को बंद मत करो। चलिए अब नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जो ऑप्शन, डिज़ायर या विश को एक्सप्रेस करता हो तो उस समय हम लोग उस सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, जब जो सब्जेक्ट है वो किसी भी तरह का इच्छा या आशा को दिखा रहा हो या एक्सप्रेस कर रहा हो तो उस समय हम लोग उस सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स की तरफ जब चलते हैं तो इससे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एफिर्मेटिव, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मतलब गॉड का ब्लेस जो है, ब्लेसिंग हम लोगों के साथ है। तो ये एक तरह का क्या है, विश है, तो इसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे। मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु रहो, ये भी एक तरह का विश ही है या इच्छा कह लो, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। कम टू द नेगेटिव वन, मे सी नॉट सफ़र, मे यू नॉट लिव लॉन्ग। फ्रेंड्स ये नेगेटिव का एग्जांपल ज़्यादा हो जा रहा है बट फिर भी मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि सभी सेंटेंस जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में ही हो सकते हैं, इसलिए मैं दो दो करके सबका एग्जांपल देते जा रही हूँ। कम टू द लास्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक सेंटेंस हम लोगों के माइंड के इमोशंस को एक्सप्रेस करता हो या ये कह लें कि हम लोग के स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो हमारे माइंड में आती है कभी कभी इमोशन को एक्सप्रेस करता हो तो उस समय उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। अब हम लोग के माइंड में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग को बहुत घृणा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो इन सब को किस सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कम टू द एग्जांपल्स, हुर्रे वी हैव बोर्न, जो वर्ड हुर्रे है वो खुश होने का फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही है। जब हम लोग जीत जाते हैं तो थोड़ी ना सिंपल स्टेटमेंट में कोई भी बात बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता है, कोई एक वर्ड चाहिए होता है जिससे हम लोग अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, वो वर्ड है हुर्रे। हुर्रे से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा वो खुश है क्योंकि वो जीत गया है। नंबर 2, व्हाट अ साइट, कितना अच्छा दृश्य है, ये भी एक एक्साइटमेंट होने का फीलिंग है और ये सेंटेंस वही फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। कम टू द नेगेटिव वन, अलास वी हैव नॉट वोन द मैच, वो अलास इसीलिए बोल रहा है, दुख हो गया है, दुखी हो गया है, सौरों में बोल रहा है क्योंकि वो मैच को हार चुका है। अलास ही इज नो मोर, यहाँ पे भी दुखी का एक्सप्रेशन हो रहा है क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों के दोनों सेंटेंस ही फीलिंग ऑफ सौरों को एक्सप्रेस कर रही है और ऐसे कैटेगरीज के सेंटेंस को ही हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लें
जो हम लोग के कन्वर्सेशन करते वक्त या इंग्लिश में बात करते वक्त हेल्पफुल हो और फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोलने में हम लोग को हेल्प करे। असर्टिव सेंटेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। असर्टिव सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो उसमें हम लोग असर्टिव सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इतना जान लेना है दोस्तों कि एक स्टेटमेंट वाले सेंटेंस में स्टार्टिंग में यानी कि बिगनिंग में सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब हमेशा उसके बाद आता है। वर्ब यानी क्रिया जो आप लोगों को पता है, और सब्जेक्ट मतलब कि जिस चीज़ के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में या जिस पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है उस सेंटेंस में, और सेंटेंस जो है एंड होता है एक फुल स्टॉप से। तो ये तीनों जो है आइडेंटिफाई कर देती है कि वो सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बैठेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगा वर्ब, लेकिन स्टार्टिंग में। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब बैठता है तो उस समय वो जो है इंट्रोगेटिव होगा, बट इन क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही, और वो सेंटेंस जो है एंड होता है क्वेश्चन मार्क से, एंड में एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। और ये दोनों की पॉइंट्स याद रखने से आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। आप लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म तो पता ही होगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस जो है एक वर्ब से ही हमेशा स्टार्ट होता है और वो वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए वर्ब। तो यही आइडेंटिफाई कर देता है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नंबर फोर, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कभी कभी मे वर्ड जो है उससे स्टार्ट होता है और एंड होता है फुल स्टॉप से। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का की पॉइंट है। चलिए कम टू द लास्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें। जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स से ही स्टार्ट होते हैं, और वो वर्ड्स क्या क्या है, व्हाट, हुर्रे, हाउ, अलास, एक्सेट्रा, मतलब और भी हो सकते हैं। ये सारे वर्ड जो है, कुछ वर्ड्स ये सारे जो है एक फीलिंग ऑफ इमोशन को क्रिएट करता है या एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और ये सारे वर्ड जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में होना चाहिए, और एंड होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक एक्सक्लेमेशन मार्क से। बट ये एक्सक्लेमेशन मार्क कभी कभी सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में भी हो सकता है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि ऊपर में एग्जांपल हम लोग देख ही पा रहे हैं, हम लोग दिए थे पहले में एग्जांपल कि हुर्रे, वी हैव वॉन, ये जो है वही बता रहा है कि कभी कभी सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ये एक्सक्लेमेशन मार्क आते हैं, और एंड में जो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है उसका एग्जांपल वो भी मैंने दे दिया है, व्हाट अ साइट। तो दिस सेंटेंस एंड्स विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। अब दोस्तों इन पांचों सेंटेंस का अपना अपना एक दूसरा नाम है, इसको हम लोग उस नाम से भी जानते हैं। असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्वेश्चन है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम लोग ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को डिज़ायर कह सकते हैं, एंड द लास्ट वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन से भी जाना जाता है। होप यू इन्जॉयड दिस वीडियो, और आपको सेंटेंस के कॉन्सेप्ट जो है समझ में आए हो। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।